हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम 1000 ज्योग्राफी क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा एक ई बुक्स भी लॉन्च करी गई हैं। ई बुक्स के लिए एक सेपरेट वेबसाइट है हमारी, रवि बुक्स PDF के नाम से, आप उसको विजिट कर सकते हैं। उस पर आपको अलग अलग टॉपिक्स की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की ई बुक प्रोवाइड कराई जाती है। ज्योग्राफी की अलग रहेगी, पॉलिटी की अलग रहेगी, तो आप हमारी उस वेबसाइट पे जाके ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग दी फॉलोइंग स्टेट नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि म्यांमार देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सी हमारी स्टेट है जिसकी बाउंड्री शेयर नहीं होती है म्यांमार से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आसाम। अगर आसाम की बात करी जाए तो आसाम की बाउंड्री नहीं लगती है म्यांमार कंट्री से। बाकी तीनों जो हमारी स्टेट्स हैं ये बाउंड्री शेयर करती हैं म्यांमार से। यहाँ पे जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, उनकी कौन कौन सी स्टेट से हमारी बाउंड्री शेयर होती है उसको देख लेते हैं एक बार। तो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयरिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं हमारी, तो म्यांमार जो कंट्री है उसके साथ चार स्टेट्स की हमारी बाउंड्री शेयर होती है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसी तरीके से बांग्लादेश, जिसके साथ इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर होता है, टोटल 5 स्टेट्स के साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है, आसाम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, मिजोरम के साथ, मेघालय के साथ और त्रिपुरा के साथ। जो भूटान कंट्री है उसके साथ 4 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं, अरुणाचल प्रदेश रहेगी, आसाम हो जाएगी, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इसी तरीके से नेपाल भी हमारी नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ 5 स्टेट्स की बाउंड्री शेयर होती है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो इसमें आपकी उत्तराखंड आ जाएगी, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अगर चाइना की बात करी जाए तो चाइना के साथ हमारी 5 रहेंगी टोटल बाउंड्री जो शेयर होती हैं, जिसमें एक यूनियन टेरिटरी है और 4 स्टेट्स रहेंगी। यूनियन टेरिटरी में आपकी लद्दाख रहेगी और 4 स्टेट्स जिनके साथ बाउंड्री शेयर होती है वो है आपकी सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ भी 5 बाउंड्री शेयर होती हैं, जिसमें 2 यूनियन टेरिटरी हैं आपकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख और 3 स्टेट्स हो जाएंगी राजस्थान, गुजरात और पंजाब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो चुटक जल विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी रहेगी इंडिया की, जहां पे आपका जो चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये आपका लोकेटेड है। यहां पे एक यूनियन टेरिटरी से क्वेश्चन रहता है कि इंडिया की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है। तो इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो आपको ध्यान रखना है कि जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन हुआ है, जो अभी डिवीजन हुआ था, उसके बाद लद्दाख सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है हमारी इंडिया की। यहाँ पे जो बात करी गई है चुटक प्लांट की, चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है, अगर इसकी बात करी जाए ये कौन सी रिवर पे है, तो ये सुरु रिवर पे रहेगा। और सुरु रिवर जो है आपकी, ये एक ट्रिब्यूटरी है आपकी इंडस रिवर की। आपको ध्यान रखना है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है सुरु रिवर। और इंडस रिवर हमारी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो जो तिब्बत रीजन रहेगा, तिब्बतन रीजन है, वहां से हमारी इंडस रिवर जो होती है वो ओरिजिनेट होती है। और अगर यहाँ पे बात करी जाए कि जो हमारा चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है लद्दाख की, तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में आपका लोकेटेड रहेगा चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये सब चीजें हैं जो कि आपको इससे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि कुलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कुलेरू जो झील है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गिवन ऑप्शंस में से हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो स्टेट है हमारी, वहां पे लोकेटेड है आपका कुलेरू लेक। और आंध्र प्रदेश स्टेट हमारी लास्ट स्टेट रहेगी जिसका डिवीजन हुआ है, जिसकी जो बाउंड्री है उसको डिवाइड किया गया है। तेलंगाना जो स्टेट है वो भी फॉर्म करी गई है 2014 में रहेगी। आपको ध्यान रखना है 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना स्टेट को फॉर्म किया गया था। यहाँ पे जो बात करी गई है लेक्स की, बात करी गई है हमारे इंडिया में जो लेक्स हैं,
तो कुछ और इंपॉर्टेंट जो लेक्स जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको यहां पे कवर करेंगे। तो आपका कन्वर लेक कहां पे है, तो ये बिहार में लोकेटेड है। सूरसागर लेक गुजरात में रहेगा। लखोटा लेक कहां पे लोकेटेड है, गुजरात में। यहां पे आपको जरूर ध्यान रखना है लोकटक लेक की बात नहीं करी जा रही है, लखोटा लेक अलग है आपका और लोकटक लेक अलग रहेगा। तो जो आपका लखोटा लेक है वो आपका गुजरात में लोकेटेड है, भृगु लेक हिमाचल प्रदेश में रहेगा, बड़गल लेक आपका हरियाणा में है, पराशर लेक आपका हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, दाल लेक आपका जम्मू कश्मीर में है। काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, एसएससी के एग्जाम्स में आपने काफी बार देखा होगा। जो ब्लूबर्ड लेक है ये आपका हरियाणा में रहेगा। वूलर लेक, सबसे ज्यादा लेक्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका वूलर लेक का रहेगा। ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक रहेगा, ये आपका जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। फिर आपका वेम्बनाड लेक रहेगा केरला में, मानसर लेक आपका जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, अगारा लेक भी आपका कर्नाटका में है और आपका लोनर लेक लोकेटेड है महाराष्ट्र स्टेट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थे जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे रिवर से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है। तो इसमें हमारा जो ग्लेशियर है वो कौन सा ग्लेशियर है जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। यहां पर रिवर ओरिजिन जो ये टॉपिक है ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। तो रिवर ओरिजिन्स की कुछ बात करते हैं। गंगा रिवर अगर आपसे पूछी जाए तो गंगा रिवर हमारी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। यमुना रिवर आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। एक चीज और ध्यान रखनी है, गंगा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी आपकी हो जाती है यमुना रिवर, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपकी चंबल रिवर की अगर बात करी जाए तो जनपाऊ हिल्स जो विद्या रेंजेस हैं आपकी वहां से ओरिजिनेट होती है आपकी चंबल रिवर। सन रिवर हो जाएगी आपकी अमरकंटक मध्य प्रदेश से। गोदावरी रिवर जो कि हमारी साउथ की सबसे बड़ी रिवर रहेगी तो ये आपकी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। फिर आपकी ताप्ती रिवर मुलतई सतपुरा रेंजेस से ओरिजिनेट होती है। माही रिवर आपकी मिंडा मध्य प्रदेश से रहेगी। दामोदर रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है पलमाऊ हिल्स झारखंड से। और आपकी जो सतलुज रिवर है ये आपकी रक्षताल लेक से होती है। नर्मदा रिवर ओरिजिनेशन पॉइंट है आपका अमरकंटक मध्य प्रदेश। तो सन रिवर भी और आपकी नर्मदा रिवर भी दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है वो सेम रहेगा। फिर आपकी इंडस रिवर आती है जो कि हमारे तिब्बतन रीजन जो है वहां से ओरिजिनेट होती है। तो ये आपकी नियर जो मानसरोवर लेक है वहां से आपकी ओरिजिनेट होती है। ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एरिया, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा तट रेखा क्षेत्र है। तो जो कोस्टल लाइन होती है, जो तट रेखा क्षेत्र होता है, ये क्या होता है, तो वाटर बाउंड्री जो हमारी स्टेट्स बनाती हैं उनको बोला जाता है कोस्टल लाइन एरिया। तो इंडिया की कौन सी स्टेट है जो कि सबसे बड़ी वाटर बाउंड्री बनाती है या कोस्ट लाइन एरिया लॉन्गेस्ट है किसका सबसे बड़ा, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। जो हमारी गुजरात स्टेट है इसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन रहेगी बाकी स्टेट्स में। अगर यहाँ पे बात करी जाए गुजरात की, तो गुजरात स्टेट की हमारी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है एरिया है कितना रहेगा, तो 1214.7 किलोमीटर का एरिया रहेगा जो कोस्टल एरिया है गुजरात स्टेट का। अगर टोटल बात करी जाए तो टोटल हमारी 9 स्टेट्स हैं इंडिया में जो कि कोस्ट लाइन बॉर्डर लगाती हैं, जो कि पानी से जिनका बॉर्डर लगता है। अगर आपसे दुनिया भर में पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन वाली कंट्री कौन सी है, तो वो कनाडा हो जाएगी। कनाडा की जो कोस्ट लाइन है वो दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। यहाँ पे जो 9 स्टेट्स हमारी आप देख रहे हैं कि 9 स्टेट्स जिनके साथ कोस्टल बॉर्डर लगता है इंडिया का, तो उन स्टेट्स को हम मैप के थ्रू एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा इंडिया का मैप हो जाएगा साउथ का। इसमें आप देख सकते हैं कि वाटर बाउंड्री कौन कौन सी स्टेट्स हमारी लगा रही हैं। तो पहली हो जाती है गुजरात जिसकी सबसे बड़ी वाटर बाउंड्री है। फिर हमारी महाराष्ट्र आती है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे है गुजरात, चौथे पे कर्नाटका, पांचवे पे केरला, छठे पे आपकी तमिलनाडु, सातवें पे आंध्र प्रदेश, आठवें पे उड़ीसा और नौवें पे आपकी वेस्ट बंगाल। ये टोटल 9 स्टेट्स हैं इंडिया की जो कि कोस्ट लाइन बॉर्डर आपका शेयर करती हैं। अगर सबसे बड़ी की बात करी जाए तो गुजरात हो जाएगी। सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा बॉर्डर लगाती है आपकी आंध्र प्रदेश। अगर आपसे बात करी जाए सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी आपकी गोवा हो जाएगी। गोवा का जो कोस्टल एरिया है वो सबसे छोटा रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पासेस से रिलेटेड पूछा जा रहा है। बनिहाल पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बनिहाल जो दर्रा है ये भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से आपका स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो हमारी जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, वहां पर आपका लोकेटेड है बनिहाल पास।
अगर पासेस की ही बात करी जाए तो हमारा जो बोमडिला पास है ये कहाँ पे है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग पास आपका अरुणाचल प्रदेश में ही रहेगा। जिलिपला पास कहाँ पे है, तो ये सिक्किम का रहेगा आपका। खरदोंगला पास आपका लोकेटेड है लद्दाख में, और जो काराकोरम पास है ये भी आपका लद्दाख में ही लोकेटेड रहेगा। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं। लिपुलेख पास आपका उत्तराखंड का रहेगा, माना पास आपका उत्तराखंड का है, फिर आपका नथुला पास कहाँ पे है, तो ये आपका सिक्किम में रहेगा, और पलक्कड़ पास आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, पीर पंजल पास आपका जम्मू कश्मीर का रहेगा, और जो रोहतांग पास है ये हिमाचल प्रदेश का रहेगा। काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा जानते हैं इसको कि रोहतांग पास आपका हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, टूरिस्ट एक आपका लोकेशन रहेगी रोहतांग पास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कटक इज सिचुएटेड इन विच बैंक ऑफ इन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो कटक किस नदी के तट पर स्थित है, तो कटक जो हमारा शहर है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का महानदी रिवर। महानदी जो रिवर है आपकी उसके अराउंड सिचुएटेड है आपका कटक शहर। अगर रिवर की बात करी जाए कि महानदी रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा स्टेट्स में आपकी फ्लो करती है, छत्तीसगढ़ में ओरिजिन हो जाता है, उड़ीसा से आपकी फ्लो होते हुए ये फाइनली जो है ये आपकी मर्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल में, मतलब एंड होता है जो आपका महानदी रिवर का वो होता है बे ऑफ बंगाल में। अगर उड़ीसा की बात करी जाए तो महानदी जो रिवर है ये उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। आपसे स्टेट्स के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि इस स्टेट की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी फ्लो होने वाली जो नदी है आपकी वो महानदी रिवर है उड़ीसा में। और एक चीज और आप जरूर ध्यान रखें कि हीराकुड जो डैम है आपका वो भी महानदी रिवर पे ही आपका बना हुआ है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगाई कॉल्ड, तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। जो फंगाई होता है, जो फंगस होता है उसकी स्टडी को हम माइकोलॉजी नाम से जानते हैं। इसी तरीके से एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं, एनिमल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ और स्टडीज को कवर करते हैं। तो एल्गी की स्टडी को बोला जाता है फाइकोलॉजी। अगर एटमॉस्फेयर की स्टडी पूछी जाए आपसे तो एरोलॉजी बोला जाता है। जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, उसकी स्टडी को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं हार्ट के, दिल के जो डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। मोशन की स्टडी को हम काइनामेटिक्स बोलते हैं। इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी बोलते हैं। प्लांट्स की स्टडी को बोटैनी बोला जाता है। एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी बोलते हैं। इसी तरीके से जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनकी स्टडी को हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। ब्लड की, खून की स्टडी को हिमेटोलॉजी बोलते हैं। फूड की, खाने की स्टडी को ब्रोमेटोलॉजी बोला जाता है। बर्ड्स की स्टडी को, पक्षियों की स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। जो सेल होता है उसकी स्टडी को साइटोलॉजी बोला जाता है, और जो टिश्यूज होते हैं उनकी स्टडी को आपको हिस्टोलॉजी बोला जाता है। तो ये स्टडी ऑफ रिलेटेड कुछ आपकी क्वेश्चंस थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा रेंजेस, तो सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा आंसर है धूपगढ़। धूपगढ़ आपका हाइएस्ट पीक रहेगा सतपुरा रेंजेस का। और अगर यहाँ पे बात करी जाए कि गुरु शिखर आप देख रहे हैं, गुरु शिखर जो है ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है ये किसकी हाईएस्ट पीक है, तो जो हमारी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं कौन सी रहेंगी, अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस की हाईएस्ट पीक है आपकी गुरु शिखर, आपको जरूर ध्यान रखनी है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है टोटल 8 स्टेट्स हैं इंडिया की जहां से जो आपकी कर्क रेखा है या फिर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है। जो आठों की आठों स्टेट्स हैं इनके नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं, कौन कौन सी स्टेट से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का 8 स्टेट्स हैं आपकी, गुजरात हो जाएगी, राजस्थान हो जाएगी, मध्य प्रदेश हो जाएगी, छत्तीसगढ़ हो जाएगी, झारखंड हो जाएगी, वेस्ट बंगाल हो जाएगी, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये टोटल 8 स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा पास होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सी स्टेट है जिससे हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो गिवन ऑप्शंस में से आपका आंसर बैठ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। फिर हमसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच अमंग दी फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन बाय दी नेम दक्षिण गंगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसको कि दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है,
तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि गोदावरी रिवर इंडिया की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी रिवर है, तो इसलिए इसको हम गंगा रिवर के बाद सबसे बड़ी रिवर मानते हैं इंडिया की, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। जो हमारी गोदावरी रिवर है ये आपकी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो त्रिंबकेश्वर जो जगह रहेगी आपकी नासिक महाराष्ट्र में, वहां से ओरिजिन हुआ है हमारी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी का। अगर बात करी जाए कि ये एंड कहाँ पे होती है, तो बे ऑफ बंगाल में जाके एंड होती है आपकी गोदावरी रिवर। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ पे जाके मर्ज हो रही है, या बे ऑफ बंगाल में हो रही है या फिर आपकी अरेबियन सी में हो रही है, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी गिवन ऑप्शन में से रिवर है जो आपकी अरेबियन सी में एंड होती है या फिर आपकी बे ऑफ बंगाल में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दी फॉलोइंग हिल्स इज सिचुएटेड इन आसाम। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है जो कि आसाम में स्थित है? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का कर्बी एंगलोंग हिल्स। कर्बी एंगलोंग हिल्स आपकी कहाँ पे रहेंगी? आपकी आसाम में रहेंगी। इसी तरीके से बाकी हिल्स भी आती है हमारी, जिसमें सबसे जो पुरानी हमारी हिल है वो है अरावली रेंजेस रहेंगी, ये आपकी गुजरात में, राजस्थान में, दिल्ली में और हरियाणा में है। कार्डमम हिल्स हैं आपकी, दालचीनी जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो आपका केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे आपकी रहेंगी कार्डमम हिल्स, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से अनामलाई हिल्स आपकी केरला और तमिलनाडु के ही बॉर्डर पे हैं। नीलगिरी हिल्स हैं आपकी केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पे। पलानी हिल्स आपकी तमिलनाडु में रहेंगी। सतपुरा रेंजेस हैं आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। विद्यात जो रेंजेस हैं आपकी ये फैली हुई हैं आपकी गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से तीन हिल्स आती हैं आपकी, तीनों को आपको एक साथ याद रखना है। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया जो हिल्स हैं आपकी ये मेघालय की हिल्स हो जाएंगी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच अमंग इज दी सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसमें चार चीजें होती हैं आपकी, सदर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट। चारों ही पॉइंट्स की हम बात करेंगे। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? तो हमारा आंसर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। कहां पे रहेगा? तो अंडमान निकोबार आइलैंड में है आपका इंदिरा पॉइंट। बाकी चारों की, बाकी तीनों की भी बात कर लेते हैं। तो नॉर्थ, नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? तो वो हमारा इंदिरा कोल रहेगा, ये आपका लद्दाख में लोकेटेड है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का किबीतू। किबीतू एक जगह रहेगी आपकी अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका इंडिया का गौर माता, जो कि आपका गुजरात में रहेगा। और सदर्न मोस्ट पॉइंट जो हमने क्वेश्चन कवर करा, इंदिरा पॉइंट रहेगा, ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है। अंडमान निकोबार आइलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका इंदिरा पॉइंट। फिर एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे डैम से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन गुजरात स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित है? तो इस गिवन ऑप्शंस में से हमारा आंसर हो जाएगा उकई डैम। उकई डैम आपका गुजरात स्टेट में लोकेटेड रहेगा, बाकी तीनों गुजरात में नहीं है। अगर डैम्स की ही यहाँ पे बात कर ली जाए तो उकई डैम, दो चीज़ें होती हैं जो कि आपसे डैम से पूछी जाती हैं। एक तो डैम की स्टेट कि ये डैम जो है कौन सी स्टेट में है, और दूसरी चीज़ आपसे पूछी जाती है कि ये जो डैम है ये कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। तो दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे हम। उकई डैम जो हमारा क्वेश्चन था ये आपका गुजरात स्टेट में रहेगा, ताप्ती रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। भाखरा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। बगलीहर डैम हमारा जम्मू कश्मीर में रहेगा, चिनाब रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। हरंगी डैम कर्नाटका में है, हरंगी रिवर के ही नाम पे इसका नाम रखा गया है। श्रीसेलम डैम हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है और ये कृष्णा रिवर के अराउंड सिचुएटेड हो जाता है। उरी डैम आपका जम्मू कश्मीर में है, झेलम रिवर के अराउंड है। मैथुन डैम आपका झारखंड में है, मैथुन रिवर के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में पूछा जाता है कि इदुकी डैम आपका केरला में है, कौन सी रिवर पे है? इसकी रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, पेरियर रिवर पे आपका ये सिचुएटेड रहेगा। अलामती डैम आपका कर्नाटका में है, ये भी आपका कृष्णा रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड है। राजघाट डैम मध्य प्रदेश में बेटवा रिवर के अराउंड। कोयना डैम आपका महाराष्ट्र में है, कोयना रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड है। जयकवदी डैम महाराष्ट्र में है, गोदावरी रिवर के अराउंड ये सिचुएटेड आपका रहेगा। तो डैम्स जो होते हैं वो कौन सी स्टेट में हैं और कौन सी रिवर पे हैं, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। फिर एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, विच इज दी ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या बैठेगा? बैरन आइलैंड। ये भी जो आइलैंड है हमारा कहाँ पे है? अंडमान निकोबार आइलैंड पे ही रहेगा। इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो रहेगा बैरन आइलैंड।
विच चैनल सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम ईच अदर, तो कौन सा चैनल है जो कि अंडमान द्वीप को और निकोबार द्वीप को एक दूसरे से अलग करता है, तो इसमें हमारा आंसर है 10 डिग्री चैनल। जो 10 डिग्री चैनल है ये जो हमारे आइलैंड्स हैं अंडमान और निकोबार, इन दोनों को अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। इसी तरीके से जो सेपरेशंस हैं उनकी बात यहाँ पे करेंगे तो 8 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है, तो 8 डिग्री चैनल या तो आपको मिनोकॉय मिलेगा या फिर आपको लक्षद्वीप मिलेगा, इन दोनों को मालदीव से सेपरेट किया जाता है 8 डिग्री चैनल के थ्रू। जो 9 डिग्री चैनल है ये आपका मिनिकॉय आइलैंड को लक्षद्वीप से सेपरेट करता है, लक्षद्वीप का ही आइलैंड रहेगा, मिनिकॉय आइलैंड सदर्न मोस्ट आइलैंड है। फिर जो हमारा क्वेश्चन था 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान आइलैंड को और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। इसी तरीके से जो हमारी पाल्क स्ट्रीट है ये इंडिया और श्रीलंका जो दो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन दोनों को सेपरेट करता है। रेड क्लिफ लाइन एक बॉर्डर लाइन है हमारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और साथ ही साथ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी। मैकमोहन लाइन एक बॉर्डर लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में। अराकन माउंटेन्स आपकी इंडिया और म्यांमार को डिवाइड करते हैं। काली रिवर आपकी इंडिया और नेपाल को डिवाइड करती है। जो दुरंद लाइन है ये आपका एक बॉर्डर लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो ये कुछ सेपरेशंस की बात हमने यहाँ पे की है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर प्लेटू इज स्प्रेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, जो छोटा नागपुर का पठार है ये भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑल ऑफ द अबव। ये हमारी सारी स्टेट्स रहेंगी, 4 स्टेट्स यहाँ पे आपको बताई गई हैं, इसमें आपको एक स्टेट और ऐड कर लेनी है जो कि है बिहार। टोटल 5 स्टेट्स हैं जिसमें जो छोटा नागपुर प्लेटू है ये आपका स्प्रेड रहेगा। कौन कौन सी? वेस्ट बंगाल हो जाएगी, झारखंड हो जाएगी, छत्तीसगढ़ हो जाएगी, उड़ीसा हो जाएगी और बिहार हो जाएगी। टोटल 5 स्टेट्स हैं। छोटा नागपुर जो प्लेटू है हमारा वो फेमस किस लिए है, किस कारण की वजह से फेमस है? तो ये जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रिच रहता है इसलिए ही फेमस रहता है। कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज हैं? तो हमारा जैसे बक्साइड हो गया, माइका हो गया, कॉपर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, आयरन ओर है या फिर कोल हो गई, इन सब में काफ़ी फेमस है आपका छोटा नागपुर प्लेटू। और जो दामोदर वैली है आपकी इंपॉर्टेंट रहता है काफ़ी ज़्यादा, दामोदर वैली जो है वो भी आपकी छोटा नागपुर प्लेटू में ही सिचुएटेड रहेगी और उसको प्राइम सेंटर बोला जाता है दामोदर वैली को, कोकिंग कोल का, कोकिंग कोल बोल सकते हैं या फिर कोकिंग कोल को और किस नाम से जाना जाता है? तो मेटलर्जिकल कोल। तो मेटलर्जिकल कोल या फिर जो कोकिंग कोल होता है उसका जो प्राइम सेंटर है इंडिया का दामोदर वैली, वो आपकी छोटे नागपुर प्लेटू में ही आती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विच प्लेस ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट वाटर, भारत के किस स्थान को श्वेत जल भी कहा जाता है, तो हमारा इसका आंसर काफी इजी रहता है, सियाचिन जो ग्लेशियर है उसको हम व्हाइट वाटर या फिर श्वेत जल के नाम से भी जानते हैं। इन विच स्टेट इज द नोकलिकई वाटरफॉल्स लोकेटेड, तो नोकलिकई जल प्रभात जो है यह आपका किस राज्य में स्थित है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है मेघालय। मेघालय जो हमारी स्टेट है वहां का एक वाटरफॉल रहेगा आपका नोहकलिकाई वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स जो होते हैं वो कहां कहां पे लोकेटेड है और उनकी हाइट क्या है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड, तो कौन सा भारतीय राज्य है जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आप सबको पता ही है बांग्लादेश के साथ कितनी स्टेट्स हमारी जो बाउंड्री शेयर करती हैं, उनमें से ही कोई सा ऑप्शन आपका बनेगा, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो हमारी स्टेट है वो 3 तरफ से आपकी बांग्लादेश कंट्री से घिरी हुई है। यहाँ पे जो ये हमारा चीज़ जो हमारा ये क्वेश्चन है इसको मैप के थ्रू एक बार ईजिली कन्फर्म करते हैं, मैप के थ्रू एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं बांग्लादेश कंट्री रहेगी आपकी व्हाइट एरिया में और जो ये आपको येलो एरिया में दिख रहा है ये हमारी त्रिपुरा स्टेट है। तो 3 साइड से कौन कौन सी साइड से घिरा हुआ है त्रिपुरा, तो एक आपकी अपर साइड है, एक आपकी साइड साइड हो जाएगी और एक आपकी लोअर साइड हो जाएगी। ये 3 साइड्स हैं जिनसे आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा हमारी स्टेट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3 साइड से घिरने वाली स्टेट कौन सी है इंडिया की, तो वो हमारी हो जाएगी त्रिपुरा स्टेट। अगला क्वेश्चन है हमारा लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ टोटल हाउ मेनी आइलैंड्स, तो लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कुल कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। टोटल 36 आइलैंड मिलकर बना हुआ है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। अगर यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है अगर उसमें सबसे लार्जेस्ट जो आइलैंड है उसका नाम आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा रहेगा, तो वो एंड्रोट आइलैंड है। आपको नाम याद रखना है, एंड्रोट आइलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड का।
फिर आपसे अगर सदर्न मोस्ट आइलैंड पूछ लिया जाए कि सदर्न मोस्ट आइलैंड कौन सा है लक्षद्वीप का, तो वो आपका मिनिकॉय आइलैंड है। हमने पीछे भी अभी कवर करा था, मिनिकॉय आइलैंड को सेपरेट किया जाता है लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल के थ्रू। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि लीस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड कौन सा है लक्षद्वीप का, तो वो बित्र आइलैंड रहेगा। आपको जरूर ध्यान रखना है BITRA, बित्र आइलैंड जो है ये लीस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड का। विच अमंग स्टेट ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स, तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है जो कि आसाम में स्थित है। यहाँ पे हिंदी पार्ट हमारा गलत डल गया है, तो कौन सी स्टेट है गिवन ऑप्शंस में से जो कि सेवन सिस्टर्स में नहीं गिनी जाती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो स्टेट है हमारी उसको सेवन सिस्टर्स में नहीं गिना जाता है। जो बांग्लादेश की बाउंड्री नॉर्थ से स्टार्ट होती है, उसके सेंटर से जितनी भी हमारी राइट साइड में जितनी भी हमारी स्टेट्स आती हैं, वो सभी स्टेट्स को हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी स्टेट्स हैं सेवन सिस्टर्स में जिनको गिना जाता है, तो टोटल सेवन स्टेट्स आपकी हो जाएंगी, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, आसाम है और मेघालय है। ये टोटल सेवन स्टेट्स हैं जिनको कि सेवन सिस्टर्स के नाम से हम जानते हैं। ना इसमें सिक्किम को गिना जाता है, ना वेस्ट बंगाल को गिना जाता है। इन दोनों चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि सिक्किम और वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है सेवन सिस्टर्स में। ज़्यादातर जो सिक्किम है उसको हम सेवन सिस्टर्स में ही मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू मोर आइलैंड डिस्प्यूट रिसेंटली इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू अफेयर ऑफ, तो हाल ही में खबरों में रहा न्यू मोर द्वीप विवाद किसके मामले से संबंधित है। तो न्यू मोर जो आइलैंड है ये आपका एक डिस्प्यूट का कारण है कौन से दो देशों के बीच में। तो दोनों देश ही क्लेम करते हैं कि हमारा आइलैंड है, दूसरा देश क्लेम करता है ये हमारा आइलैंड है। तो कौन कौन से देश हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश दोनों जो कंट्री हैं, इन दोनों के बीच में एक विवाद है, एक डिस्प्यूट है न्यू मोर आइलैंड को लेके। न्यू मोर आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल में इंडिया और जो बांग्लादेश है उनके बॉर्डर के करीब ही लोकेटेड है, और भी काफ़ी सारे आइलैंड्स वहाँ पे लोकेटेड हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यू मोर आइलैंड आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड रहेगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक डिस्प्यूट का कारण है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज की सबसे बाहरी श्रेणी का क्या नाम है। हिमालयाज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता है, तो अगर हिमालयाज की बात करी जाए कि आउटर मोस्ट रेंज जो है हिमालयाज की उसका क्या नाम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शिवालिक्स। शिवालिक्स आउटर मोस्ट लेयर है आपकी हिमालयाज की। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का इकलौता आपका नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, ये आपका उत्तर प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए, योगी आदित्यनाथ यहाँ के करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की करंट टाइम में गवर्नर आपकी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो अगर हम चारों ऑप्शंस की बात करें, तो रॉस आइलैंड, आइलैंड और जो उसकी जगह है वो आपको सेम मैच करनी है। रॉस आइलैंड आपके कहाँ पे लोकेटेड है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड पे आपका लोकेटेड है रॉस आइलैंड, ये आपका सही रहेगा। मजूली आइलैंड जो कि आपका आसाम में लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, तो ये भी आपका करेक्ट है। फिर आपका अब्दुल कलाम आइलैंड जो है ये भी आपका उड़ीसा में ही आता है, ये भी आपका करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपका, डी ऑप्शन बचा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पंबन आइलैंड जो है ये आपका केरला में है, ये आपका गलत है। केरला में लोकेटेड नहीं है आपका पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, तो तमिलनाडु स्टेट में आपका आता है पंबन आइलैंड। तो बाकी तीनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट थे, पंबन आइलैंड आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। विथ विच कंट्री इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो हमारी जो नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, उसके साथ इंडिया की सबसे लंबी बाउंड्री शेयर होती है। अगर हम बात करें अप्रोक्स, तो 4100 किलोमीटर के अराउंड लैंड बाउंड्री जो है इंडिया शेयर करता है। अगर बिल्कुल डिक्टो बात करी जाए, तो 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी जो दो कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती हैं कौन कौन सी कंट्रीज रहेंगी, तो वो है हमारी कनाडा और यूएसए। कनाडा और अमेरिका जो कंट्रीज हैं, इन दोनों का जो बाउंड्री है, जो लैंड बॉर्डर है, वो सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है। अगर बात करी जाए कितना है, तो 8900 किलोमीटर अप्रोक्स रहेगा, 8900 किलोमीटर जो कि कनाडा और यूएसए के बीच में जो बाउंड्री शेयर होती है।
फिर हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो हमारी स्टेट है इसको राइस बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में भी हमारा एक डेल्टा रीजन रहता है जिसको मेनली बोला जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया। और अगर बात करी जाए कि राइस की प्रोडक्शन, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का वो कौन सी स्टेट है, तो वो वेस्ट बंगाल स्टेट रहेगी। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है राइस की। और अगर बात करी जाए कि हिस्टोरिकली जो हम राइस बाउल ऑफ इंडिया बोलते थे वो किसको बोलते थे, तो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा रीजन था उसको हम हिस्टोरिकली पहले जो थे राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसका ही गोदावरी डेल्टा रीजन वाला जो आपका आंध्र प्रदेश में एरिया आता है उसको राइस बाउल ऑफ इंडिया करंट टाइम में बोला जाता है। अगर बात करी जाए कि इंडिया में जो राइस प्रोडक्शन होती है वो कौन से नंबर पे है पूरी दुनिया में, तो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया राइस के मामले में, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहेगा। यहाँ पे हमने सेकंड की बात कर ली, तो पहले नंबर पे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है राइस का, तो वो आपका चाइना हो जाता है। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आपका राइस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज दी हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नागरीय जनसंख्या है, तो शहरी जो जनसंख्या है, जो शहर में रहने वाली जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में रहती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो स्टेट है उसमें अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। अगर यही आपसे लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन पूछा जाए, या लीस्ट नहीं आपसे पूछा जाए कि रूरल पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा उसमें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है और महाराष्ट्र की आपकी हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है। अहमदाबाद इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर, तो अहमदाबाद जो नदी है हमारी, अहमदाबाद जो सिटी है वो किस नदी के किनारे हमारा स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साबरमती रिवर। साबरमती रिवर कहाँ पे है, गुजरात में, और आपकी अहमदाबाद भी कहाँ पे है, गुजरात में ही आपकी लोकेटेड रहेगी। महात्मा गांधी से रिलेटेड साबरमती को जाना जाता है, तो साबरमती जो आपकी रिवर है ये कहाँ पे है, ये आपकी अहमदाबाद जो सिटी है उसके अराउंड सिचुएटेड है आपकी। अहमदाबाद जो है वो आपका साबरमती रिवर के अराउंड सिचुएटेड आपका हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको हमारी ईबुक्स बाय करनी हो तो हमारी जो वेबसाइट है आप उसको ज़रूर विजिट कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप टेलीग्राम पर ज़रूर विजिट करें हमारी पीडीएफ्स के लिए। धन्यवाद।